नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश से समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश में 15 दिन पहले सागर जिले के बंडा के एक छोटे से गांव में बलात्कार की एक घटना सामने आई थी। 13 साल की एक बच्ची के साथ गांव के ही एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बलात्कार किया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बलात्कार की इस घटना के बाद ये मामला बंडा जिले के गाँव से निकलकर पूरे मध्य प्रदेश में गुस्से, नाराजगी और जातिगत भेदभाव का कारण बन गया। मध्य प्रदेश में इस मामले को भुनाने के लिए तमाम जातिगत संगठनों और कुछ राजनेताओं ने अपनी रोटियां सेकना शुरू कर दी। इस मामले में 15 दिन के भीतर मध्य प्रदेश में जातिगत भेदभाव की जो घटनाएं सामने आई, उससे आगामी दिनों में स्थिति खराब होने की आशंकाएं भी बनती रहीं। अगस्त में जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब मध्य प्रदेश में जातिगत खाइयों के लिए ये मामला कैसे बड़ा कारण बन गया, इस पूरी रिपोर्ट में समझेंगे। इस मामले में ये भी देखेंगे कि मामले की शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह इससे लोग जुड़ते गए और ये मामला बिगड़ता गया। इस मामले की शुरुआत 13-14 अगस्त को हुई थी, जब सागर जिले के बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खजरा में एक 13 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई थी। ये बच्ची ओबीसी समाज से आती थी और इस बच्ची का कथित रूप से रेप किया गया था, वो भी इसी गांव के रहने वाले एक 56 वर्षीय अरुण मिश्रा के द्वारा। ये व्यक्ति जो कि आरोपी है, इसकी जाति ब्राह्मण थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अरुण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। इस मामले के बाद आरोपी की जाति को टारगेट किया जाना शुरू किया गया। मामले में 17 अगस्त को बंडा में ओबीसी महासभा के द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान आरोपी का घर गिराने की मांग की गई और उसे फांसी पर लटकाने की मांग उठी। इस दौरान जब भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भावनाएं और भड़क गई। ये मामला बंडा से निकलकर अब मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच गया और मामले को ओबीसी महासभा ने पूरे प्रांत में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन के माध्यम से बड़ा कर दिया। इसी बीच एंट्री होती है लोधी समाज के एक लूप लाइन चल रहे नेता प्रीतम लोधी की। ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रीतम लोधी उमा भारती के रिश्तेदार और उनके करीबी बताए जाते हैं। प्रीतम लोधी ने 17 अगस्त को शिवपुरी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण से ब्राह्मण समाज को आहत कर दिया। उन्होंने इस सभा के दौरान जो भाषण दिया, वो पूरी जाति को टारगेट करने वाला था। उन्होंने जो कहा, पहले वो सुनिए। पंडित जी बैठे हुए बहुत ऊंची जगह पे, और तुम कहां बैठोगे? नीचे। और बैठे बैठे वो तुम्हें कम से कम 7-8 घंटे तुमको पागल बनाएगा। वो हम पागल बनते हैं। वो 9 दिन में पूरे गांव, पूरे क्षेत्र का सामान और बच्चना भी लेता है, पूरा पैसा इकट्ठा करके, और 9 दिनों में रघु चक्कर हो जाता है। प्रीतम लोधी के इस बयान के जरिए आरोपी अरुण मिश्रा की जगह उसकी पूरी जाति को टारगेट किया गया। इसके बाद जब प्रीतम लोधी का पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज ने विरोध शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया, तो प्रीतम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया। भाजपा के निष्कासित करने के एक दिन पहले प्रीतम लोधी ब्राह्मण समाज से माफी भी मांग चुके थे। उन्होंने अपने बयान की सफाई दी, आरोप कांग्रेस पर लगाए कि कांग्रेस के द्वारा उनके बयान की काट छांट कर कॉपी वायरल की गई है और उनका उद्देश्य ब्राह्मण समाज को टारगेट करना नहीं था। इसके बाद कांग्रेस ने प्रीतम लोधी पर मौजूद आपराधिक मामलों की सूची जारी कर दी। प्रीतम लोधी की उम्र 62 साल है और उनके विरुद्ध लगभग 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते प्रीतम लोधी पर ये संगीन आरोप लगाए और उन्हें भाजपा से हटाने की मांग की। भाजपा ने प्रीतम लोधी को हटा दिया। अब प्रीतम लोधी भाजपा से बाहर होने के बाद और ज्यादा बागी हो गए। एक दिन पहले जो ब्राह्मण समाज से माफी मांगकर इस मामले का पटाक्षेप करने वाले थे, अब वे
बीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा को टारगेट पर लेने लगे। उनके साथ उन्हें नेता बनाने के लिए ओबीसी महासभा जुट गई। ओबीसी महासभा ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में प्रीतम लोधी की मौजूदगी में बड़े प्रदर्शन शुरू कर दिए। ग्वालियर में हुए एक प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग यहां मौजूद रहे और बीडी शर्मा नरोत्तम मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं पर आरोप लगाए गए और उन्हें मुर्दाबाद के नारे भी सुनाए गए। इसके बाद ये मामला आगे बढ़ा और एक और प्रदर्शन किया गया भिंड जिले में। भिंड जिले में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों को गंभीर और 2 पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आईं। आरोप ये भी लगे कि प्रीतम लोधी की मौजूदगी में ये प्रदर्शन हो रहा था और रूट को बदलने को लेकर पुलिस के साथ विवाद के दौरान ओबीसी महासभा के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियों के सामने पेट्रोल बम भी फोड़े। इस मामले में भिंड पुलिस ने प्रीतम लोधी पर 2 और मुकदमे दर्ज किए। उन पर बलवा, हिंसा फैलाने के अलावा शासकीय कर्मचारियों से मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा जैसी धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए। प्रीतम लोधी अब कानूनी तौर पर इन मामलों में फरार हैं, लेकिन वे आगामी 4 सितंबर को बंडा में होने वाले ओबीसी महासभा के एक बड़े प्रदर्शन में शामिल होने की चेतावनी भी अपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए दे रहे हैं। इसी बीच बंडा के एक बड़े नेता गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव का एक बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चित हो रहा है। अभिषेक भार्गव ने अपने ट्विटर और फेसबुक पर दिए एक बयान के माध्यम से प्रदेश में बढ़ रहे जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कही है। क्या कहा अभिषेक भार्गव ने, वो भी सुनिए। अभिषेक भार्गव ने एक पत्र के जरिए लिखा, बंडा विधानसभा में कुछ दिनों पहले एक बलात्कार की घटना सामने आई थी, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ अरुण मिश्रा नाम के व्यक्ति द्वारा बलात्कार की घिनौनी घटना किया जाना बताया गया है। घटना के बाद उस अरुण मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया। फिर कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को उठाया और अरुण मिश्रा को फांसी देने की मांग के साथ उसका घर गिराने की मांग भी की। फिर उस आंदोलन के बाद अरुण मिश्रा की जगह उसकी जाति को टारगेट करके समाज में जहर घोलने का काम शुरू हो गया। मित्रों, आज मैं सार्वजनिक मंच से यह बात कहना चाहता हूं कि अरुण मिश्रा जैसे बलात्कारी को दोषी सिद्ध होने पर हर हाल में फांसी दी जानी चाहिए। उसका केस सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर जल्द से जल्द उस पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने का काम करें और अवैध मकान को भी उदाहरण के रूप में गिरा देना चाहिए। मैं स्वयं उस पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ खड़ा हूं, परंतु राजनीति के चक्कर में किसी अपराधी की जाति देखकर संपूर्ण जाति को अपशब्द कहना और आपसी तालमेल को बिगाड़ना कतई सही नहीं है। आज ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर व्यक्ति अरुण मिश्रा जैसे अपराधियों पर थूकता है। मैं यह आशा करता हूं कि हम व्यर्थ की राजनीति के चक्कर में ना पड़कर आपसी भाईचारे को मजबूत करें। हम सब माँ भारती की संतानें हैं। हमारे बेवजह के आपसी झगड़ों से इस देश को काफ़ी नुकसान सहना पड़ेगा। कृपया मेरी बात को कोई भी अन्यथा ना ले। हम सभी, हर वर्ग के लोग, पीड़ित बच्ची और उसके परिवार के साथ हैं। बहरहाल ये मामला एक आपराधिक घटना से शुरू हुआ था। इस आपराधिक घटना में जिस 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, उसके साथ समाज के सभी वर्गों की संवेदनाएं हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी फिलहाल जेल में है। अब न्याय की मांग को रखते हुए 4 सितंबर को ओबीसी महासभा एक और प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन का उद्देश्य आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी दिलाने की मांग तो है ही, उसका मकान भी गिरवाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे विषय में ये समझ नहीं आता कि जातियां कैसे इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक आपराधिक मामला और इस आपराधिक मामले की पुलिस जांच कर रही है, फिर जातियों को टारगेट क्यों किया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का हमारा मकसद यही था कि आप खुद समझदार बनिए, किसी जातिगत भीड़ का हिस्सा ना बने, आपराधिक घटनाओं को समझें और आपराधिक घटनाओं के विरुद्ध खड़े हों, लेकिन न्याय की बात के साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।